Good morning, all of you. So, beta, yesterday we started numerical problems based upon electric flux. Yes, good morning, Pradibha. So, beta, we started numerical problems based upon electric flux. ठीक है, मैंने कल एक सिंगल एक क्वेश्चन करवाया था आपको. ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन से दोबारा से स्टार्टिंग करता हूँ. लिसन केयरफुली बेटा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के लेक्चर में, फुल लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे और गॉस थ्योरम हम कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही चल पाएंगे. ठीक है, तीन चार न्यूमेरिकल करवाने बहुत जरूरी हैं, तभी आपको गॉस थ्योरम आगे आ पाएगी अच्छे तरीके से, उसके क्वेश्चन आ पाएंगे. अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी आती होगी तभी आप गॉस थ्योरम के क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे. कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी थी, किसी भी सरफेस के अंदर से नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कनेक्टेड विद दैट सरफेस. मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था फॉर फ्लैट सरफेस ई डॉट ए एंड फॉर कर्व सरफेस ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन. ओके, सो कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, अगर आपको ध्यान हो, लिसन केयरफुली बेटा. फर्स्ट कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, मैं वही क्वेश्चन दोबारा करवाता हूँ, बिकॉज उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी हमारे से. लिसन, ध्यान लिसन कर ली बेटा. देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन कहा था, मैंने कहा था एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कितनी ली थी मैंने, 20 ली थी न्यूटन पर कूलम. 20 लो, 10 लो, 50 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसकी डायरेक्शन दिखाई थी बेटा मैंने आई कैप, इसकी डायरेक्शन दिखाई थी बेटा मैंने कितनी, आई कैप, गेटिंग, इसकी डायरेक्शन दिखाई थी बेटा मैंने कितनी, आई कैप. इसकी डायरेक्शन आई कैप का मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, फिर मैंने कहा था एक सरफेस लेना आपने, फ्लैट सरफेस लाइक दिस. ठीक है, ये एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस लेना है, इसकी लेंथ आप मान लो 6, ब्रेथ आप मान लो 4, तो इसका बेटा एरिया हो जाएगा 24. आप लेंथ ब्रेथ कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप इसकी बजाय सर्कुलर भी मान सकते हैं, सर्कुलर के लिए फिर मुझे रेडियस गिवन हो जाएगा, तो मैं उसका एरिया निकाल दूंगा पाई आर स्क्वायर. आपको एरिया निकालना चाहे कोई भी बॉडी हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा गिवन होगा, डोंट वरी. ठीक है, तो मान लो ये बॉडी है. ठीक है, ये बॉडी है और इस बॉडी को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं ऐसे. और रखने का तरीका मेरा क्या था, मैंने बोला था कि जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है. ठीक है बेटा, ये कहा था मैंने, अगर आपको ध्यान हो, इफ यू रिमेंबर. ऑलराइट, हमारा क्वेश्चन ये था कि एरिया कितना है बेटा. मान लो दिस वाज द सरफेस, ओके, दिस वाज द सरफेस, सरफेस की लेंथ है 6 मीटर बेटा, ब्रेड्थ है 4 मीटर बेटा, एरिया हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कुछ भी मान सकते हो आप, 20, 25, 10, 50 जो मर्जी मान लो, एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप उसकी डायरेक्शन दिखाई है मैंने. और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा था सरफेस, मैंने यहां लिखा था बेटा सरफेस इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री With x-axis कह दो या with electric field intensity कह दो, because electric field intensity भी तो x-axis के along ही है. Surface x-axis के साथ कितने angle पर inclined है, 60 degree angle पर inclined है. तो मैंने कहा था बेटा ये क्या है बताओ, ये flat surface है, flat surface के लिए बताओ बेटा what is the formula of electric flux, what is the formula of electric flux for flat surface, बताओ क्या formula था, वो था E डॉट A. और इसका फॉर्मूला अगर आप एक्सपेंड कर दो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाता होता है बेटा E A cos theta. बेटा व्हाट इज E मैग्नीट्यूड, इट इज 20. बेटा व्हाट इज A, इट इज 24. और यहां मैंने cos 60 पुट किया था, यहां मैंने cos 60 पुट किया था बेटा. ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, वो लास्ट में जल्दीबाजी में हो गया था. cos 60 नहीं आएगा यहाँ पर, अब आपको सोचना है यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे cos 30 आएगा, आपको सोचना है. देखो इस क्वेश्चन में यही ट्रैप है,
इस क्वेश्चन में यही ट्रैप है, अगर आप यहाँ फंस गए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना। यहां मुझे बोला गया है कि जो सरफेस है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, वो 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना बेटा। देखो आपको ये जो थीटा एंगल होता है किसके बीच में एंगल होता है, ये ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल होता है, बात समझ में आ गई। और यहाँ जो 60 एंगल है वो मुझे ई और ए के बीच में गिवन नहीं है बेटा, ई और ए के बीच में एंगल 30 हो जाएगा, यहाँ पे 90 में से माइनस करना पड़ेगा आपको। गेटिंग माई पॉइंट बट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली। देखो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे बेटा देखो मान लो ये सरफेस है, फिलहाल ये सरफेस ऐसे बड़ा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही इसका एरिया वेक्टर है फिलहाल, बात समझ में आ गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ, ये देखो बेटा ये सरफेस हो गया और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, ये हो गया एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। फिलहाल ई वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, फिलहाल ये पैरेलल है। अब मुझे करना क्या बेटा, मुझे इस सरफेस को घुमाना है ऐसे, और मुझे इसको घुमाना कैसे है कि ये क्या हो जाए, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर इंक्लाइंड हो जाए, 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हो जाए। तो आप सोच के देखो, जब इसको ऐसे घुमाया तो इसका एरिया वेक्टर बेटा कैसे घूम गया, इसका बेटा एरिया वेक्टर ऐसे घूम गया, बात समझ में आ गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन गया, इट विल बिकम 30 डिग्री नॉट 60 डिग्री। इसका मतलब बेटा यहाँ पर कितना एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसको सोचना आपको, इस बात को सोच के देखना कि मैंने क्या समझाया आपको, गेटिंग। तो बेटा ये आ जाएगा 30 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो मर्जी आप पुट कर दो बेटा, cos 30 कितना होता है, रूट 3 बाई 2 होता है। व्हाट इज cos 30, cos 30 इज 20 बेटा, ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 20 × 24 × √3/2, ये 10 से कट जाएगा, इट विल कम 240 √3, दैट्स द मीनिंग, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, बट यहाँ मैंने कल गलती से 60 पुट कर दिया था, यहाँ आपने 30 पुट करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा एंगल क्या पुट करना है, यहाँ मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान सुनो बड़ा, यहाँ मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि सरफेस ने कितना एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बनाया बेटा, 60 एंगल बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, दैट बिकम 30, और वही आपको यहां पुट करना होता है। अगर यहां डायरेक्ट लिखा होता कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल 60 है बेटा, फिर आप यहां पे क्या लेते, फिर आप यहां पर 60 ही लेते। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जज करना पड़ेगा यहां पे आपको क्या लेना है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन की जो कैटेगरी इसको चेंज करता हूं, ये लो बेटा। अब मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो बेटा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कितनी है, 2i, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2i प्लस 3j प्लस 4k, यूनिट्स आ गए बेटा इसके न्यूटन पर कूलम। अब की बार बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं कहता हूं कि एक सरफेस है वाई जेड प्लेन में, और सरफेस कैसा है, चलो मान लिया सरफेस कैसा है बेटा, सर्कुलर सरफेस है, वो सर्कुलर मानते हैं, थोड़ा नया लेते हैं सरफेस, पर सरफेस कैसा है बेटा, सर्कुलर सरफेस है, और वो कौन से प्लेन में है बेटा, वो वाई जेड प्लेन में है, और उस सर्कुलर सरफेस की बेटा रेडियस कितनी है, 10 मीटर। तो सबसे पहले तो बताओ बेटा उसका एरिया कितना आएगा बेटा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, कैन यू कैलकुलेट एरिया बेटा, बताओ पाई कितना होता है, 22/7 × बेटा हो गया 100, इसको आप सॉल्व बेटा, 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसको सॉल्व करके बेटा आपने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर, बताओ डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आपको पता है वाई जेड प्लेन कौन सा होता है, बेटा ये देखो, अगर आप इसको सर्कुलर मान लो ऐसे, तो बताओ बेटा देखो ये है वाई एक्सिस बेटा, ये है जेड एक्सिस बेटा, यही तो होता है वाई जेड प्लेन। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा बेटा, वो आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर आएगा बेटा वो किसके अलोंग आएगा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। तो यहाँ बेटा मैं क्या लिख दूंगा, आई कैप लिख दूंगा, और फिर से वही काम, सरफेस कैसा है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के लिए बताओ बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई, फ्लैट सरफेस के लिए बेटा फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए, समझ में आ गई मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा एक काम करो, ये पढ़ा ई, ये पढ़ा ए, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता है, आई
और आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर जे और जे वाले, अरे यहाँ पे तो जे वाले है ही नहीं, यहाँ पे के वाले भी नहीं है, तो बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा बेटा, पुट करो व्हाट इज ई, वो आएगा 2i प्लस 3j प्लस आएगा बेटा 4k डॉट प्रोडक्ट विद विद, बताओ बेटा ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2200/7i कैप प्लस 0j प्लस 0k। अब ये दोनों को डॉट कैसे करते हैं आपको पता है, आई और आई वाले गुणा कर देते हैं, बाकी सारा जीरो हो जाएगा, बताओ कितना आंसर आएगा बेटा, ये आ जाएगा 4400/7, दिस इज योर 5e। ठीक है बेटा, इसके यूनिट्स पुट कर दो, बताओ बेटा यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्डिंग डेंसिटी इनटू एरिया के बेटा यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वो हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स। ठीक है, दो क्वेश्चन करवा दिए, लगभग दोनों सेम से क्वेश्चन थे, दोनों आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, पेपर में वो क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, मुश्किल नहीं है, वो थोड़ा देखने में लगेगा कि मुश्किल है वो बिल्कुल आसान, सोचना है आपको आंसर। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ठीक है, और बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बात समझ आ गई, ध्यान से सुनना, एक डायग्राम बनाऊंगा बेटा मैं अभी आपके सामने, बेटा डायग्राम बनाऊंगा, लिसन, ये लूंगा बेटा मैं एक्स एक्सिस, ये लूंगा बेटा मैं वाई एक्सिस, और बेटा ये लूंगा मैं जेड एक्सिस, ये मैं लूंगा जेड एक्सिस, ध्यान से सुनना। अब यहां मैं बनाऊंगा एक क्यूब, हेयर आई विल टेक एक क्यूब, कैन यू सी दिस, हेयर आई विल टेक ए क्यूब। मैं थोड़ा जंप कर रहा हूं अच्छे लेवल के क्वेश्चन के ऊपर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में फाइनल एग्जाम में 2-3 बार कम से कम आ चुका है पेपर ये वाला। ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड लेंथ कितनी है, ए है, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ बेटा क्या है इसका, ए है, बात समझ में आ गई। और मुझे ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि बेटा ये है ओरिजिन, पता ही है आपको, और यहां से लेकर यहां तक जो ये लेंथ है बेटा ये भी कितनी है, ये भी ए है, बात समझ आ गई, ये ए लेंथ है तो फिर आगे ये भी लेंथ कितनी है, ये भी ए है, बात समझ आ गई, मतलब ओरिजिन से ए डिस्टेंस के ऊपर एक क्यूब रखा जिस क्यूब की साइड लेंथ भी कितनी है, ए है। हो सकता है यहां पर ए की जाए जगह 2a ले ले, a by 2 ले ले, कुछ और ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको, गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो बेटा ये हो गया एक क्यूब, अब इसके नीचे लिखता हूं मैं कुछ, ध्यान से सुनना, इसके नीचे लिखता हूं बेटा मैं, ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं ई एक्स बराबर, ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की पावर 1/2। यहां मैं चाहूं तो x की पावर 1/2 ले सकता हूं, x की एंड्रोट x ले सकता हूं, x स्क्वायर ले सकता हूं, बदल सकता हूं इसको अकॉर्डिंग टू माय मूड। ठीक है, ये बेटा ई एक्स है, और बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है ई वाई बराबर ई जेड बराबर कितना है, 0 है, बात समझ में आ गई, मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटा ई वाई बराबर ई जेड बराबर 0 है, ई एक्स बराबर ये है, और यहां पर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, यहां पर अल्फा क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, और अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है 800, अल्फा की वैल्यू बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है 800, यूनिट्स आप निकाल सकते हो अल्फा के, अल्फा के यूनिट्स आप यहां से निकाल दो, ई बाय एक्स की पावर 1/2, तो ई के बताओ क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं न्यूटन पर कूलम, और बाय में क्या आ जाएंगे, मीटर
वन बाई टू आ जाएंगे, क्योंकि एक्स तो लेंथ है बेटा, यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर लेंथ है आपको समझ, ठीक है। तो बेटा ये अल्फा के आ जाएंगे यूनिट्स, यूनिट्स की कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू सिर्फ आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये अल्फा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये बेटा मुझे अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बात समझ आ गई। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस ऑफ दिस क्यूब। क्वेश्चन लिख लेना बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद ईच फेस एसोसिएटेड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। हर फेस की फ्लक्स बतानी है बेटा मुझे, हर फेस की मुझे क्या बतानी है, फ्लक्स बतानी है। जो ये ऊपर वाला फेस है इसमें कितनी फ्लक्स है, जो ये वाला फेस है इसमें कितनी फ्लक्स है, जो ये वाला फेस है इसमें कितनी फ्लक्स है, जो ये नीचे वाला फेस है इसमें कितनी फ्लक्स है, आगे वाले में कितनी है, पीछे वाले में कितनी है, सारे फेसेस के अंदर बेटा मुझे क्या बतानी है, फ्लक्स बतानी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस क्यूब की जगह इस क्वेश्चन में सिलेंडर भी दिया जा सकता है, क्यूब वाला आ गया तो सिलेंडर वाला भी आ जाएगा, सेम है। अगर क्यूब वाला आ गया तो सिलेंडर वाला भी आ जाएगा बेटा, सेम है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो करना कैसे है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अगर ये क्वेश्चन आएंगे तभी गॉस थ्योरम वाले क्वेश्चन आएंगे, वरना गॉस थ्योरम वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, आपको भूल जाना, बात समझ में आ गई। क्योंकि गॉस थ्योरम वाले क्वेश्चन यही होते हैं बेसिकली, जो हम इन क्वेश्चंस में निकालते हैं उसके बाद हम एक स्टेप और कर देते हैं बस, वो फिर गॉस थ्योरम वाला क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन गॉस थ्योरम वाले क्वेश्चन में ये चीज तो जो अभी आप करने वाले हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले क्वेश्चन में, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको उसके अंदर भी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके अलोंग है, बेटा वो सिर्फ एक्स के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके अलोंग है, बेटा वो एक्स के अलोंग है, क्योंकि वाई और जेड के अलोंग उसके कंपोनेंट क्या है, जीरो है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर डाटा को देखकर ये समझ में आ रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है, पहली बात। दूसरी बात बताओ बेटा, जो एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ बेटा। एक्स के अलोंग जो फील्ड है क्या वो एक्स के बदलने से बदलती है या कांस्टेंट रहती है, आप देखो ना ध्यान से बेटा, इसके फॉर्मूले में एक्स आ गया और जब आप एक्स के अलोंग चलोगे तो बेटा एक्स तो बदलेगा, आप यहां पर एक्स कितना ए है, यहां एक्स कितना हो जाएगा टू ए, यहां कितना हो जाएगा थ्री ए, यहां कितना बेटा फोर ए, एक्स तो बदलेगा, एक्स बदलेगा तो बेटा ई एक्स बदलेगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो फील्ड है बेटा वो कैसी फील्ड है, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, वो बदलती है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे वो कांस्टेंट, वैसे वैसे बेटा वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। दो बातें पता लगी, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड के अलोंग जीरो है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग है भी कैसी फील्ड बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, विद एक्स बढ़ने से बेटा यहां पर फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, चलो सबसे पहले काम करो, जो ये ऊपर वाला फेस है, जो ये ऊपर वाला फेस है इसकी फ्लक्स बताओ मुझे, बताओ बेटा फ्लक्स फॉर अपर फेस। मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं क्वेश्चन का, धीरे धीरे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। बताओ बेटा फ्लक्स फॉर अपर फेस बताओ कितनी आएगी, ध्यान से देखो, तो अपर फेस का एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर कैसे होता है, नॉर्मल आउटवर्ड। अब देखो बेटा एरिया वेक्टर तो ऐसे है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा डायरेक्शन बताओ कैसे है बेटा, वो तो ऐसे है। बताओ ए और ई में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो बताओ बेटा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था फ्लक्स ई डॉट ए, और ई और ए में अगर एंगल 90 हो तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बेटा कितना होता है, जीरो होता है बेटा। अपर फेस की फ्लक्स कितनी आ गई, जीरो आ गई, गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग बेटा, बताना ऐसे ही मुझे लोअर फेस की फ्लक्स कितनी आएगी, सेम आएगी बेटा जीरो, ये अपर फेस की जीरो, तो बेटा लोअर फेस की बता दो बेटा कितनी आएगी, बेटा सेम आएगी जीरो, गेटिंग माय पॉइंट बेटा, आई एम सेइंग लोअर फेस की फ्लक्स भी जीरो है बेटा, अपर फेस की फ्लक्स भी जीरो है। टोटल छह फेस हैं और छह के छह फेसेस में हर फेस की फ्लक्स निकालनी है, दो फेस की फ्लक्स बता चुका हूं, अपर की जीरो लोअर की जीरो। अब बेटा बात करो फ्रंट फेस की, जो ये वाला फेस है ना बेटा फ्रंट फेस, बताओ इसका एरिया कैसे आएगा बेटा, इसका एरिया भी ऐसे आएगा बाहर की तरफ, अरे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो बताओ बेटा फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा कि फ्लक्स फॉर फ्रंट फेस, फ्लक्स फॉर फ्रंट फेस बताओ बेटा कितनी आएगी, जीरो। बताओ बेटा
फ्लक्स फॉर बैक फेस, जो पीछे वाला फेस है बैक बैक में जो फेस है बेटा उसकी भी फ्लक्स कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। बेटा टोटल छह सरफेस थे, चार सरफेस की, चार फेस की फ्लक्स यहां पर जीरो है, क्योंकि चारों के लिए, क्योंकि चारों के लिए बेटा एरिया वेक्टर और ई वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहली बात तो यहां तक समझ में आना चाहिए अभी करा क्या है, गेटिंग। अब इसके बाद बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, अब इसके बाद बेटा मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अगर आपको ऐसे ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया ना, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन मैं एक मिनट में करा दूंगा आपको, एक मिनट से भी कम टाइम में मैं गॉस थ्योरम का क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। पहले आपको ये फ्लक्स निकालना आना चाहिए, सबसे पहले प्रॉब्लम तो फ्लक्स निकालने की है, फ्लक्स निकालना आता होगा तभी तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई कर पाओगे, बिकॉज गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर फ्लक्स निकालनी पड़ती है आपको, इसलिए मैं फ्लक्स के क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूँ। पहले फ्लक्स के क्वेश्चन पहले मैं अलग से करवा रहा हूँ, फ्लक्स के क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे, फिर गॉस थ्योरम को अप्लाई करके आगे भी करना आ जाएगा, डोंट वरी, वो आसान है, ये मुश्किल है। टोटल छह फेस थे, चार फेस की फ्लक्स बेटा यहाँ पे जीरो आ गई, चारों के लिए रीजन क्या दोगे, क्योंकि चारों फेस का एरिया वेक्टर ई वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं कौन से फेस की, बेटा अब बात करेंगे एक तो इस वाले फेस की, एक तो बेटा इस वाले फेस की बात करेंगे, एक तो बेटा इस वाले फेस की बात करेंगे बेटा, और एक हम इस वाले फेस की बात करेंगे, यही दो फेस तो बच गए। और ये कौन से फेस हैं, दीज आर द फेसेस इन द वाई जेड प्लेन, यू कैन से बेटा देखो ध्यान से, ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बेटा ये कौन सी है, देखो जेड एक्सिस है, तो बेटा ये कौन सा प्लेन हो गया, बेटा ये हो गया वाई जेड प्लेन, बेटा ये भी वाई जेड प्लेन है, ये भी वाई जेड प्लेन है, बात समझ आ गई। अब मैं काम करता हूं, मैं इस फेस को बोल देता हूं फेस नंबर वन, और इस फेस को बोल बेटा मैं बोल देता हूं फेस नंबर टू, तो मुझे फेस नंबर वन और फेस नंबर टू की क्या निकाल के दिखानी है, फ्लक्स निकाल के दिखानी है, बहुत आसान है, निकालते हैं जब, ये साफ कर देता हूं बेटा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं साफ कर देता हूं। बताओ बेटा फेस नंबर वन की फ्लक्स को मैं बोलूंगा फाइ वन, सिंपल, फेस नंबर वन की फ्लक्स को बेटा मैं बोलूंगा फाइ वन, फाइव वन निकाल दिया तो फाइव टू निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है बेटा फाइव वन और फाइव टू के अंदर। बताओ बेटा सरफेस कैसा है, फेस नंबर वन सरफेस कैसा है, फ्लैट है, सरफेस फ्लैट है, तो कैसे निकलती है बेटा फ्लक्स, बताओ, वो निकलती है ई डॉट ए से, ई डॉट ए से निकलती है। अच्छा बताओ ई कहाँ है, बताओ बेटा ई की डायरेक्शन, यहाँ पे ई तो कौन सा ई लोगे आप, ई एक्स लोगे, ई वाई और ई जेड तो है ही नहीं, बताओ बेटा यहाँ जो ई एक्स आएगा वो कैसे आएगा, वो तो ऐसे आएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटा ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और मुझे ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, ये हो सकता है मैंने शायद में स्टार्टिंग में ना बताया, बट मैं बता रहा हूँ कि ये बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा, बात समझ आ गई। और ये आ गया हमारा ई एक्स, ये आ गया बेटा हमारा ई एक्स। अच्छा ये बताओ इस फेस का एरिया कैसे निकालोगे, इस स्पेस का एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बेटा हमेशा कैसे होता है नॉर्मल आउटवर्ड, अब बताओ बेटा यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे आएगा बेटा, यहाँ पर बताओ बेटा यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे आएगा बेटा, वो आएगा नॉर्मल आउटवर्ड, दिख रहा है आपको नॉर्मल आउटवर्ड आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, जो मैंने कल टॉपिक समझाया था आपको, ध्यान से देखो, अगर ये सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बट एरिया ऐसे है, तो बताओ दोनों में कितना एंगल हो गया, बेटा दोनों में एंगल हो गया 180 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ बेटा कौन सी फ्लक्स आएगी, यहाँ बेटा नेगेटिव फ्लक्स आएगी, यहाँ बेटा इनवर्ड फ्लक्स आएगी, कैन यू कैलकुलेट दैट इनवर्ड फ्लक्स। अच्छा बताओ यहाँ पर ई एक्स कितना है, पहले यहाँ पे सॉल्व करो बेटा इसको फाइ वन को, बताओ बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा ई डॉट ए, ई डॉट ए कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ई एक्स ए कोस 180, क्योंकि ई यहाँ पर कौन है, ई एक्स है, और ए यहाँ पर ए है, वो मैं अभी पुट कर दूंगा वैल्यू कितनी है, कॉस मुझे पता लग गया बेटा यहाँ पर एंगल कितना है 180 डिग्री एंगल है, बात समझ में आ गई बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ई एक्स ए, बेटा व्हाट इज ई एक्स, बताओ बेटा व्हाट इज ई एक्स, यहाँ पर ई एक्स बना 800, और बताओ बेटा इस फेस के लिए एक्स कितना है, बताओ बेटा इस फेस के लिए एक्स कितना है, वो है ए, तो बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/2, बेटा ई एक्स को बोलेंगे माइनस 800 ए की पावर 1/2, ये लो बेटा ये तो आ गया ई एक्स, और बताओ बेटा इस फेस का एरिया कितना है बेटा, वो है ए स्क्वायर, तो बेटा ये लो बताओ कितनी आ गई फाइ वन, बताओ बेटा कितनी आ गई फाइ वन, ये आ गई माइनस 800 ए की पावर 5/2, आंसर बोलो समझ में आया कि नहीं,
ये मैंने फेज नंबर वन की फ्लक्स निकाल दी आपके सामने. दिस इज द फ्लक्स ऑफ फेज नंबर वन. कैन यू कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ फेज नंबर टू? कैन यू कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ फेज नंबर टू? उसको मैं बोलूंगा फाइ टू. उसको बेटा मैं क्या बोलूंगा? फाइ टू बोल दूंगा. चलो यहां निकालना शुरू कर देता हूं बेटा मैं फाइ टू. भला बोलो बेटा फाइ टू कैसे निकालोगे? फाइ टू बता दो बेटा कैसे निकालोगे. अगेन सरफेस नंबर टू कैसा सरफेस है? इट इज ए फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस के लिए बताओ बेटा क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है ई डॉट ए. ये लो बेटा वो होता है ई डॉट ए. ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. अब पहले यहां बात करो बेटा, यहाँ ई कैसे आएगा बेटा? वो तो ई एक्स ऐसे आएगा. और यहाँ एरिया वेक्टर बेटा वो भी नॉर्मल आउटवर्ड बाहर आ जाएगा. तो बेटा यहाँ जो फ्लक्स है वो कैसी है बेटा? वो तो आउटवर्ड फ्लक्स है, वो तो पॉजिटिव फ्लक्स है. तो बेटा ई डॉट ए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ई ए कॉस जीरो. कॉस जीरो बेटा कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा. स्टेप शुड बी क्लियर. स्टेप अच्छे तरह से क्लियर होने चाहिए आपको. मैं पहले बोल रहा हूं आपको, बात समझ में आ गई? बताओ बेटा कितना आएगा? बताओ आ जाएगा. व्हाट इज ई नाउ? यहां बताओ बेटा ई. ई कौन है? वो तो ई एक्स है. और बताओ बेटा ई एक्स इस फेस के लिए बताओ बेटा ई एक्स कितना आ जाएगा? ई एक्स आ जाएगा. अल्फा कितना है? 800. अल्फा कितना है? 800. गेटिंग? और बेटा x बताओ कितना है इस फेस के लिए? बताओ बेटा x कितना बन गया? x बन गया a प्लस a, दैट इज 2a. तो बेटा वो बन जाएगा 2a की पावर 1/2. ये तो बेटा ये आ गया e. बेटा व्हाट इज एरिया? बेटा व्हाट इज एरिया ऑफ दिस फेस? बेटा व्हाट इज एरिया ऑफ दिस फेस? बेटा वो हो जाएगा, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस फेस? बेटा वो हो जाएगा a स्क्वायर. बताओ बेटा कितना आंसर आ गया? सॉल्व करना है आपको, मैथ है सारा. 800, ये 2 की पावर 1 बटा 2 बेटा ये बन गया रूट 2. बेटा ये बन जाएगा 1 की पावर 5/2. ये लो बेटा ये तुम्हारी 5/2 फ्लक्स आ गई. बोलो समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन यहां तक समझ में आना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट बट आई एम सेइंग? अच्छा एक बात बताओ, 5/2 ज्यादा है कि 5/1 ज्यादा है? एकदम क्लियर दिख रहा है बेटा इसमें और इसमें? फर्क सिर्फ यहाँ पे रूट टू नहीं है बेटा, यहाँ पे रूट टू आ गया. मैग्नीट्यूड देखो, प्लस माइनस मत देखो आप. इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बताओ बेटा ज्यादा कौन सा ही ज्यादा है? ज्यादा तो होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग, आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड क्या थी? बढ़ती जा रही थी. इसका मतलब यहाँ लाइन कम थी, यहाँ लाइन ज्यादा थी बेटा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ज्यादा थी. जहां फील्ड ज्यादा होती है बेटा वहां लाइन ज्यादा होती है. बता रखा है मैंने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टॉपिक में, अगर आपको ध्यान हो तो. यहाँ बेटा लाइंस भी ज्यादा थी, यहाँ लाइंस ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा लाइंस पास करेंगी, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स आएगी. तो देखो यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स आ रही है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. अच्छा चलो यहाँ आपको पता लग गया बेटा कि ये फ्लक्स ज्यादा है, ये वाली फ्लक्स कम है. अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फ्लक्स बताओ पूरे पूरे क्यूब की, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे टोटल बता दो बेटा पूरे के पूरे क्यूब की, क्योंकि गॉस थ्योरम वाले न्यूमेरिकल में आपको टोटल फ्लक्स निकालनी पड़ेगी. यहां तो आपने अलग अलग फेसेस की निकाली है, 4 फेसेस की 0, बाकी 2 की आपके सामने पड़ी है. वहां गॉस थ्योरम के क्वेश्चन में आपको टोटल फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस निकालनी पड़ेगी. तो बताओ बेटा अगर मैं टोटल फ्लक्स पूछूं तो बताओ कितनी आएगी बेटा? पहले की 0, दूसरे की 0, तीसरे की 0, चौथे की 0 और फिर पांचवें की बताओ कितनी आएगी बेटा? पांचवें की ये आ जाएगी और छठे की बेटा ये आ जाएगी. आप ऐसे मान लो, तो जब इसमें इसको जोड़ोगे तो बताओ क्या कॉमन लोगे? जब इसमें इसको जोड़ोगे तो बताओ क्या कॉमन लोगे? आप लोगे 800, ए की पावर 5/2 तो कॉमन आ जाएगा. और ये आ जाएगा बेटा रूट टू, ये आ जाएगा बेटा माइनस वन. बेटा ये कितना हो गया? 1.414 माइनस वन बेटा ये हो जाएगा 0.414. दोनों कर देना आंसर आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. ये आपने क्या निकाल दी? ये आपने टोटल फ्लक्स निकाल दी. इसलिए निकालना सिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं गॉस थ्योरम का क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सारा दोबारा नहीं करवाऊंगा. वहां मैं सीधा बोलूंगा देखो यहाँ पे हमने टोटल फ्लक्स निकाली थी ना, इसके बाद ये स्टेप कर लो, ये लो, ये क्वेश्चन किसका बन गया? गॉस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया. वहां मैं डायरेक्ट बोलूंगा ऐसे. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन उससे पहले बेटा आपको यहाँ पर अलग अलग फेसेस की और टोटल सारे फेसेस की मिला के टोटल फ्लक्स निकालना आना चाहिए. ठीक है, आगे बात समझ में? एक और नया पॉइंट, अगर इसी क्वेश्चन में ये एक्स ना होता तो होता ही ना एक्स, और अल्फा सीधा कितना होता? 800 होता. बस छोड़ो ये सब कुछ है ही नहीं. ई एक्स बताओ कितना है? 800 है जी. ई एक्स कितना है बताओ बेटा? 800 ले लो सीधा. बताओ बेटा कैसी फील्ड हो गई एक्स एक्सिस के अलोंग? कॉन्स्टेंट फील्ड हो गई. अरे एक्स पे डिपेंड नहीं करती फील्ड,
अगर x पे डिपेंड ही नहीं करती फील्ड तो इसका मतलब बताओ फिर phi 1 कितना आएगा, phi 1 बेटा यहां पर ex में ये तो आएगा ही नहीं फिर, गेटिंग, क्योंकि x ही नहीं है उसके अंदर। और ऐसे बेटा phi 2 में बेटा यहां पर ये भी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि x ही नहीं है। अरे ये x की वैल्यू तो थी, तो बताओ बेटा फिर phi 1 और phi 2 कितने आएंगे, बताओ बेटा फिर phi 1 और phi 2 कितने आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, चेक कर लो बेटा जितना phi 1 नेगेटिव में है जितना phi 1 यहां बताओ बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर, और यहां बताओ बेटा कितना आ जाएगा बेटा ये भी आ जाएगा a स्क्वायर। चेक कर लो बेशक जितना phi 1 नेगेटिव में है उतना phi 2 पॉजिटिव में है, तो फिर अगर टोटल फ्लक्स बताओ बेटा कितनी आ जाएगी बेटा, वो सारी की सारी क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो तो आनी है क्योंकि यहां फील्ड और यहां फील्ड सेम है, तो जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी एग्जिट कर रही हैं, जितनी इनवर्ड उतनी आउटवर्ड, टोटल कितनी हो गई, जीरो हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए कि मैंने करा क्या। ये सारी बातें गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगी, वहां आपको आना चाहिए। अच्छे से करवा दिया बेटा मैंने, पूरा लगभग 20 मिनट लगा दिया मैंने इसी क्वेश्चन को करवाने में, ठीक है ना। अब अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज कर दूं हल्का, तो देखो अगर मैं इस क्यूब की बजाय, अगर मैं इस क्यूब की बजाय यहां लेता सिलेंड्रिकल बॉडी, तो भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। मैं बना के दिखा देता हूं, कर आऊंगा मैं कल, या खुद ट्राई कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खुद भी ट्राई कर सकते हो बेटा। लिसन हियर, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और अगर मैं आपको ये कहूं कि ऐसा है, देखो यहां पर ये बेटा एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, बात समझ में आ गई। अब क्यूब की बजाय बेटा सिलिंड्रिकल बॉडी ले ली बेटा मैंने, और ये जो लेंथ है बेटा ये 2a लेंथ है, और जो ये लेंथ है बेटा ये a लेंथ है, ऐसे बोल दिया मैंने, बात समझ में आ गई। मैं फिर से बोल देता हूं ex कितना, ex आ गया अल्फा एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर लेते हैं अब की बार, और मैं फिर से बोल देता हूं बेटा ey बराबर ez बराबर कितना, जीरो। मैं फिर से बोल देता हूं अल्फा कितना है जी 800, अल्फा कितना है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है की बार अल्फा के यूनिट्स, ठीक है। मैं फिर से कह देता हूं फाइंड टोटल फ्लक्स, फाइंड, चलो मैं इस बार मैं फेसेस की नहीं पूछता, मैं पूछता हूं टोटल फ्लक्स बता दो इस पूरे के पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस की, टोटल फ्लक्स बता दो इस पूरे के पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस की। अगर आपके पास ऐसा रोडा बुक है उसके अंदर ये एग्जांपल है, ट्राई करना आज, ना हो तो कोई बात नहीं बेटा फिर मैं कल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कल हम गॉस थ्योरम का प्रूफ और उसकी स्टेटमेंट सारा समझा दूंगा, और यही जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यही क्वेश्चंस मैं गॉस थ्योरम वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दूंगा एज इट इज। बाय।